इन 26 कार्ड्स पर हमने ए से जेड तक पूरी इंग्लिश अल्फाबेट लिख दी है पर मान लीजिए हमारे कार्ड्स उल्टे पुलटे तो हम क्या करेंगे इन्हें फिर ऐसा करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा कार्ड्स को फटाफट ऑर्डर में लगाने के लिए हमने हर कार्ड के ऊपर दिए और अब इस डंडी को हम एक एक करके इन छेदों में डालते जाएंगे और जो भी कार्ड्स डंडी में अटक रहे हैं उनको निकालकर आगे लगा लेंगे सभी होल्स में यही करते जाते हैं जो कार्ड्स अटक गए उनको निकालकर आगे लगा दिया और सरप्राइजिंगली सारे कार्ड्स अपने आप ऑर्डर में लग जाएंगे ए टू जेड एबीसीडी के इस खेल को समझने की शुरुआत हम एक दो तीन चार यानी गिनती से करते हैं तो आज हम पहले एक अलग तरह की गिनती सीखेंगे और फिर उससे ये जानेंगे कि इन छेदों में डंडी डालने से एक आर्ट्स ऑर्डर में क्यों लग गए तो चलिए शुरू करते हैं अपने इन दो हाथों पर आप कहाँ तक गिन सकते हैं वट इज़ द लार्जेस्ट नंबर यू कैन काउंट ऑन योर फिंगर्स तो हम ऐसा कर सकते हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस यानी दस उंगलियों पर दस तक गिन दिया या फिर ऐसा भी कर सकते हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह और फिर पंद्रह ही सात पर यानी टोटल तीस तक गिन सकते हैं थोड़े से दिमाग के और घोड़े दौड़ाएं तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि भाई तीस इधर गिने तो फिर इधर क्यों नहीं यानी तीस इधर और तीस इधर तो टोटल साठ तक गिन सकते हैं लेकिन एक ऐसी गिनती है जिससे हम इन्हीं दो हाथों से साठ से कहीं ज़्यादा गिन सकते हैं तो चलिए उसको देखते हैं इस गिनती में मैं अपनी उंगलियों को दो तरीके से रख सकता हूँ या तो बंद या फिर खड़ी तो एक उंगली पर हम दो नंबर्स गिन सकते हैं अब दो उंगलियों से देखते हैं पहले ये उंगली बंद तो इससे दो हो गए अब इस दूसरी उंगली को खड़ी रखकर फिर से पहली उंगली को बंद और खड़ी कर सकते हैं तो टोटल चार नंबर्स गिन सकते हैं अब दो उंगलियों से चार तो तीन से कितने गिन सकते हैं तीसरी उंगली को बंद करके हमने इन दोनों से चार गिने अब इसे खड़ी रखकर फिर से इन दोनों से चार गिन सकते हैं तो टोटल आठ हो गए तीन से आठ अब चौथी उंगली को खड़ी करके फिर से इन तीनों से आठ तो आठ और आठ सोलह तो चार से सोलह अब पांचवी उंगली को खड़ी करके फिर से सोलह तो पांच उंगलियों से टोटल बत्तीस पांच से बत्तीस तो दस उंगलियों से चौंसठ नहीं पांच से बत्तीस तो छः से चौंसठ सात से एक सौ अट्ठाईस दो सौ छप्पन पाँच सौ बारह और दस उंगलियों से एक हजार चौबीस तक गिन सकते हैं हर उंगली ऐड करने पर हम पहले से डबल गिनती गिन सकते हैं इसीलिए दस उंगलियों में टू टू दावर टेन यानी एक तक गिन सकते हैं और अगर पैरों की उंगलियां भी काउंट कर लें तो टू टू दावर ट्वेंटी यानी दस लाख से भी ज़्यादा तक गिनती गिन सकते हैं चलिए गिन कर देखते हैं जीरो से शुरू करें तो जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन एंड सिक्सटीन इसे हम बाइनरी काउंटिंग कहते हैं और ये वही लैंग्वेज है जिस पर कंप्यूटर्स भी काम करते हैं बाइनरी सिस्टम में सिर्फ दो ही डिजिट्स होती हैं जीरो और वन उंगली बंद रखें तो जीरो और खड़ी रखें तो वन आमतौर पर हम डेसिमल सिस्टम में काम करते हैं जिसमें जीरो से लेकर नौ तक दस डिजिट्स होती हैं डेसिमल सिस्टम में अगर हमें तेरह को लिखना हो तो हम ऐसे लिखते हैं एक के बगल में तीन लेकिन अगर बाइनरी में हमें तेरह को दर्शाना है तो कैसे लिखेंगे जीरो और वन का इस्तेमाल करके हमें तेरह को दर्शाना है तो इसके लिए हमने अभी हाथों से जो बाइनरी काउंटिंग की थी वो करते करते तेरह तक पहुँचते हैं जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन इस पोजीशन में अब हम ये देखेंगे कि कौन सी उंगली बंद है और कौन सी खड़ी है जो बंद है उसे जीरो लिख देंगे और जो खड़ी है उसे वन लिख देंगे यानी वन वन जीरो वन अब आप अपने आप ये निकालें कि उन्नीस को बाइनरी में कैसे लिखते हैं और कमेंट्स में अपना जवाब जरूर लिखें अब वापस हम अपने एबीसीडी वाले कार्ड्स पर चलते हैं इन कार्ड्स के ऊपर जो ये छेद किए गए हैं ये बाइनरी काउंटिंग के हिसाब से ही हैं ए से लेकर जेड तक टोटल छब्बीस लेटर्स हैं तो उनको हम एक से छब्बीस तक नंबर्स के साथ मैप कर सकते हैं और फिर हर नंबर का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन निकाल कर उस पर जीरो और वन के हिसाब से छेद कर देंगे गोल छेद का मतलब है जीरो और जो ये यू शेप का छेद है इसका मतलब है वन हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि तेरा को बाइनरी में वन वन जीरो वन लिखेंगे तो तेरह नंबर के कार्ड यानी एम पर वन वन जीरो वन के हिसाब से ही छेद होंगे वन वन जीरो वन ऐसे ही हमने सभी कार्ड्स पर छेद किए हुए हैं सॉर्टिंग को और अच्छे से समझने के लिए हम इन आठ कार्ड्स को देखते हैं इन पर जीरो से सात तक गिनती लिखी हुई है और ऊपर बाइनरी काउंटिंग के हिसाब से छेद किए हुए हैं जब हम सबसे पहले वाले छेद में डंडी डालते हैं तो जितने भी कार्ड्स जिनके एंड में जीरो आता है वो सब डंडी में अटक जाते हैं और हम उनको आगे ले आते हैं यानी इस स्टेप के बाद वो सभी कार्ड्स जिनके एंड में ज़ीरो आता है वो आगे हैं और जिनके एंड में वन आता है वो पीछे हैं तो इस स्टेप के बाद ये गारंटी है कि ज़ीरो वन से आगे होगा टू थ्री से आगे होगा फोर फाइव से आगे होगा और सिक्स सेवन से आगे होगा लेकिन ज़ीरो टू फोर सिक्स और वन थ्री फाइव सेवन का आपस में ऑर्डर कुछ भी हो सकता है जीरो टू के पहले हो ये जरूरी नहीं है अब जब हम इस नेक्स्ट होल में डंडी डालते हैं तो इस वाली डिजिट में जहाँ जहाँ जीरो है वो कार्ड्स डंडी में अटक जाते हैं और हम इनको आगे ले आते हैं यानी इस स्टेप के बाद वो सभी कार्ड्स जिनकी सेकेंड डिजिट ज़ीरो है वो आगे हैं और जिनकी सेकेंड डिजिट वन है वो पीछे हैं इस स्टेप के बाद जीरो और वन टू और थ्री से आगे आ जाएंगे और ऐसे ही फोर और फाइव सिक्स और सेवन से आगे आ जाएंगे अब यह और देखते हैं कि दूसरे वाले स्टेप की वजह से पहले वाले स्टेप में जो हमने नंबर्स का ऑर्डर करा था वो तो नहीं बिगड़ जाएगा मतलब क्या ऐसा हो सकता है कि दूसरे छेद में डंडे डालने के बाद वन जीरो के पहले लग जाए या फिर थ्री टू के पहले लग जाए ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि इन नंबर्स में ये सेकेंड डिजिट सेम है मतलब ये जो दूसरे वाला छेद है ये सेम है इसलिए या तो कार्ड साथ में डंडे में अटकेंगे या फिर साथ में नहीं अटकेंगे ऐसा नहीं हो सकता कि एक कार्ड डंडे में अटक जाए और दूसरा कार्ड ना अटके इसी तरह से जब हम तीसरे होल में डंडे डालेंगे तो जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन के पहले आएंगे इसलिए तीन स्टेप्स में हमारे कार्ड सॉर्ट हो जाएंगे ये देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन इसी चीज को हम डेसिमल सिस्टम में भी देखते हैं मान लीजिए हमारे पास ये दस नंबर्स हैं जिन्हें हमें ऑर्डर में लगाना है पहले स्टेप में हम सिर्फ यूनिट प्लेस को देखते हैं और उसके हिसाब से नंबर्स को अरेंज कर देते हैं तो इन सारे नंबर्स को हम यूनिट प्लेस के हिसाब से इन दस बकेट्स में डाल देंगे यानी सेवेंटी नाइन नाइन वाले ग्रुप में चला जाएगा फोर्टी सिक्स सिक्स वाले ग्रुप में चला जाएगा एंड सो ऑन तो अब नया ऑर्डर हो गया है ये पहले जीरो आ रहा है फिर टू फिर थ्री फिर, फिर फाइव सिक्स सेवन एट और लास्ट में नाइन तो सारे नंबर्स उनके यूनिट प्लेस के हिसाब से सॉर्ट हो गए हैं यूनिट प्लेस के हिसाब से तो अब नंबर्स अरेंज हो गए पर अभी भी आप देख सकते हैं कि नंबर्स असेंडिंग ऑर्डर में नहीं लगे हैं अब इस नई लिस्ट को प्लेस पर जो नंबर है उसके हिसाब से अरेंज कर देते हैं तो इन दस बकेट्स में टेंस प्लेस के नंबर के हिसाब से हम इन नंबर्स को डालते जाएंगे 72, 73, 79, ये सब सेवन वाले ग्रुप में चले जाएंगे और आप ये भी देख सकते हैं कि जिनका प्लेस सेम है वो आपस में सॉर्टेड हैं यानी पहले 72 आ रहा है फिर 73 और उसके बाद 79। अब आप देख सकते हैं कि जगह हमारे पास दो बकेट्स थी जीरो और वन इंग्लिश के छब्बीस लेटर्स के लिए हमने हर कार्ड पर पांच छेद किए थे क्योंकि जैसा कि हमने पहले भी देखा था बाइनरी में हम एक डिजिट पर दो नंबर्स गिन सकते हैं दो पे चार तीन पे आठ चार पे सोलह और पाँच पर बत्तीस तो अगर हमारे सोलह तक ही कार्ड्स होते तो हमें चार होल्स चाहिए होते पर छब्बीस के लिए हमें पाँच होल्स बनाने पड़े हिंदी की वर्णमाला में बावन अक्षर होते हैं तो इसके लिए हमें हर कार्ड पर कितने छेद करने होंगे बत्तीस तक तो पाँच छेद से काम चल जाएगा लेकिन बावन तक जाने के लिए हमें छः छे छेद करने होंगे ताश के बावन कार्ड्स पर आप पूरी हिंदी वर्णमाला चिपका सकते हैं बाकी जगह भी इन कार्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं हिस्ट्री की अलग अलग इवेंट्स को हम इन कार्ड्स पर लगा सकते हैं और ये अपने आप सही ऑर्डर में लग जाएंगी। ऐसा करें तो हिस्ट्री तो होगी ही साथ में मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस एकदम फ्री हमने एक रामायण का वर्जन भी बनाया है इन कार्ड्स पर हमने पूरी रामायण को लिख दिया है बावन कार्ड्स में संक्षिप्त रामायण ये तो हमने छे छेद इस्तेमाल करके सॉर्टिंग की लेकिन अगर तीन तरह के छेद करें तो चार छेद ही काफी हैं। इसे टर्नरी यानी बेस थ्री सॉर्टिंग कहते हैं इसे करने के लिए हमें दो तरह की डंडियां भी चाहिए होंगी ये पतली वाली डंडी तो दोनों छेद में से निकल जाती है पर यह मोटी डंडी इस छेद से निकल जाती है और इसमें अटक जाती है तो आप भी अलग अलग तरह के कार्ड्स बनाएं और हमें जरूर भेजें थैंक यू